आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश भी रोकी, ड्रोन भी उड़ाने दिया और इतना अच्छा व्यू देखने को मिला हमें। है चाचा चाची का ढाबा, ठंडा ठंडा पानी है। तो वही कंजूम माता हेलो फ्रेंड्स, जुले ताशी दिले। तो आज हमें लोसर में हमारी राइड का है 8वां दिन। और भाई साहब, आज का दिन जो है ना राइड का, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इस समय जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप पीछे की साइड देखेंगे तो हमें जाना है वहाँ पर कुमजुमला पास, चंद्रताल। तो भैया, सुबह उठते सार मौसम को देखा तो सबसे पहले हमने कहा फटाफट से अपना सामान जो है वो पैक करते हैं। तो सारा सामान हमने पैक कर लिया है, रेनकोट पहन के तैयार है एकदम। और आज की जो राइड है भाई साहब, ख़तरनाक वाली होने वाली है। मौसम ऐसा है कुमजुमला जाके, कैसा मौसम होगा, बीच में जो नाले पड़ेंगे वो कैसे होंगे, और चंद्रताल के बीच में जो रपटा पड़ता है उससे कैसे निकलेंगे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब बस दिमाग में यह है कि कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, तो चलना है तो चलना है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से कुमजुमला होते हुए चंद्रताल। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि अगर बाटल में जगह मिल जाती है तो बहुत बढ़िया होगा, तो आज का स्टे हम बाटल करेंगे। तो बाकी तो ऊपर वाला हमारे साथ है, तो चलते हैं आज के सफ़र में। तो यहाँ से चलने से पहले एक चीज़ और मैं दोबारा से आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि ये जहाँ पर हम रुके थे रात को, ये होम स्टे है, रोड से जो है थोड़ा सा अंदर आके है, मगर बहुत ही बढ़िया जगह है, साफ़ सुथरे रूम है। और बाहर होटल वाले इतना महंगा पैसा लेते हैं और खाना वगैरह भी ऐसा बढ़िया नहीं होता, मगर यहाँ घर का खाना मिलेगा आपको, साफ़ सुथरे रूम मिलेंगे। तो जितना भी हो सके अगर आप राइड करते हैं तो यहाँ पर होम स्टे में आइए और रुकिए, और घर का जो खाने का मज़ा है और रहने का जो मज़ा है उसके मज़े लीजिए। अरे हम तो जोश, चलो जय श्री राम, जय माता रानी। आज का मौसम देख ही रहे हो, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से कुमजुमला होते हुए चंद्रताल। अब बारिश और तेज़ हो चुकी है, तो मज़ा आने वाला है आज की राइड में। दोनों तरफ का जो वेदर है, बादल तो नीचे ही आ गए भैया, दूसरे तक पहुँच चुके हैं। तो ये आ चुके हम मेन रोड पे, यहाँ से आके एक तारा होम स्टे भी जाता है, मगर वो फुल था आज, वहाँ पर भी गए थे हम पहले, मगर ये सबसे बढ़िया था। जय श्री राम। ये है लोसर का मार्केट। तो अब कैमरा थोड़ा बंद कर दें, बारिश तेज हो चुकी है। तो लोसर से निकलते ही यहाँ एक चेक पोस्ट है, यहाँ पर एंट्री होती है। अब यहाँ से चंद्रताल जो है 13 किलोमीटर कुमजुम है, तो जैसे कि बारिश हो रही है तो ये तो मिलना लाजमी है। आराम आराम से निकलेंगे। तो यहाँ पर एक बोट टाइप का नहीं है, खाली यहाँ पर पेंट किया हुआ है, मंडी 245, कुल्लू 176, मनाली 134, ग्राम 171 और पाटल 22 किलोमीटर। तो यहाँ से अब चढ़ाई शुरू की है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुमजुमला, कुमजुम टॉप। ऊंचाई 4590 मीटर, कुमजुम पास, कुल्लू 168 किलोमीटर और मनाली 127 किलोमीटर। और आले भाई, कैसा लग रहा है इस समय आपको कुमजुम पास में?
बढ़िया। तो हल्का सा अंदर चलते हैं यहाँ से, यहाँ से हल्का आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि ढलान स्टार्ट होगी ना, कीचड़ वाली है ये। आगे पीछे चलेंगे। कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। चलो भैया कुंजुम माता के हाथ जुड़ गए, माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मौसम ऐसा खतरनाक होता है सुबह। हम दोनों लोथर से 18 किलोमीटर की राइड, वो भी बारिश में, कीचड़, ऑफ रोडिंग, सब कुछ मिला के पहुंच चुके हैं कुंजुम टॉप। आ जा रहे भाई कुंजुम टॉप। ये है यहाँ पर कुंजुम माता का मंदिर। तो हाथ जोड़ते हैं माता रानी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अले भाई मज़ा आ गया? यस यस यस। ये है देखो यहाँ का इस समय का, और ये है इस समय यहाँ का व्यू। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया भाई यार। हल्की हल्की बारिश हो रही है और वो तो अच्छा हुआ भी स्नोफॉल नहीं हुआ, स्नोफॉल आता तो और मज़ा आ जाता है। ये है भाई कुंजुम माता। जय माता, रक्षा करना माता रानी की। तो भैया हम कुंजुम पास से अब चल रहे हैं बाटल की साइड, आगे देखते हैं चंद्रताल के लिए जो रास्ता है इस समय कैसा है, खुला हुआ है या बंद है। और आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि अब कीचड़ हो चुका है यहाँ पर। अरे नक्सली गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, एमएसपी है गाड़ी। तो ये हमारी ट्रिप में पहली बार हमको साइड में ये स्नो दिखाई दी है। आहा। तो फाइनली अभी बारिश थोड़ी बंद हुई है और देख रहे होंगे नजारा। अभी तक हम ढालते ही उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये जाता है चंद्रताल के लिए, और ये रास्ता नीचे जा रहे हैं हम काजा मनाली। चंद्रताल यहाँ से है 12 किलोमीटर दूर। तो लोसर से सुबह हम चले थे 8 बजे और पूरे रास्ते हल्की हल्की बारिश थी। तो अभी 30 किलोमीटर के बाद हम पहुँच गए हैं बाटाल, और हम हैं यहाँ पर चाचा चाची के ढाबे में, और अभी चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म। और यहाँ पर पहुँचते अरे वाह, और यहाँ पहुँचते सार बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो पहले हमारे चंद्रताल का प्रोग्राम था, तो फिलहाल हमने चंद्रताल जाना कैंसिल करा है। तो आज अगर बारिश बीच में रुकती है तो सोचते हैं कि चंद्रताल जाएंगे, वरना आज हम वहीं पर रुकते हैं, वहीं पर रुकेंगे और फिर देखते हैं सुबह अगर बारिश ना हुई तो चलेंगे चंद्रताल। तो फिलहाल यहाँ है चाचा चाची का ढाबा और इस समय पूरा फुल है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं हम बाताल में चाचा चाची का जो ढाबा है उसके बगल में पत्थरों का शेड है, वहीं पर रुके हुए हैं। तो आज का स्टे हमारा यहीं पर है और हम बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बारिश रुकती है तो चाचा से हमने पूछा था तो कह रहे थे कि हाँ चंद्रताल जा सकते हैं, थोड़ा पानी का बहाव तेज़ होगा, दो भाई लोग हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी। तो इस समय तो कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये पूरा गोदाम टाइप का ये एक अंडे के ट्रे से भरी यहाँ पर पेटियाँ हैं और इधर भी कुछ सामान है। तो हम दोनों के रुकने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल गई और सही टाइम पे पहुंच गया यार। यस यस। तो चाय पी थी फिलहाल तो हमने, अब देखते हैं कुछ खाते हैं यहाँ चल के। अभी हम मैगी के मज़े ले रहे हैं और यहाँ पर जो ढाबा है पूरा फुल हो चुका है इस समय, बहुत से जो बाइकर्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। एक ग्रुप चंद्रताल से आया इस समय, तो बाताल में चाचा चाची का जो ढाबा है यहाँ पर हम 10 बजे पहुँच गए थे। 2.25 घंटे हमने बारिश रुकने का वेट किया है और बारिश अब रुक चुकी है,
सवा 12 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं चंद्रताल के लिए। 3 किलोमीटर आगे जाके चंद्रताल के लिए टर्न करेंगे, वहाँ से चंद्रताल होगा 12 किलोमीटर। तो चलते हैं अले भाई, मौसम भी बढ़िया हो गया, सब कुछ बढ़िया। मौसम हल्का सा सुहाना हो चुका है और आले में चलते हैं। अब तो सब सूख चुका है, अब हम जाएंगे चंद्रताल। तो 3 किलोमीटर वापस आकर हम जा रहे हैं चंद्रताल, 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो भैया ये है चंद्रताल का रफ्ता। यस, एक तो पार हुआ और दूसरे वाला देखेंगे। तो पूरा 12 किलोमीटर ऐसा ही ऑफ रोडिंग है चंद्रताल के लिए। तो एक रफ्ता तो पहले पड़ा था और एक रफ्ता जहाँ तक मुझे याद है चंद्रताल के पास ही पड़ता है। सामने बादलों के पीछे कैसे छुप रखे हैं पहाड़, वहाँ पर ये हट भी बने हुए हैं कि हाँ भाई रुकना है तो रुक जाओ। और चंद्रताल वो सामने रहा, बस वो वाला जो स्लैब है वहीं के पीछे है जाके चंद्रताल। दूसरे वाले रफ्ते की बात कर रहा था वो, शायद ये तो बहुत हल्का है। यहाँ पर मेरे ख्याल से टेम्पो ट्रेवलर फंस चुका है और बाइक के निकलने की जगह है या नहीं ये देखना पड़ेगा। भाई रफ्ता क्रॉस करते हुए सुन, अले वहां से गाड़ी के बगल से निकल जाएगा ना। चप्पल जय श्री राम। चंद्रताल के रास्ते में बाताल से दो रफ्ते पड़ते हैं तो दोनों ऊपर वाले की कृपा से अच्छी तरह क्रॉस कर दी हमने। तो जहाँ पर चेक पोस्ट था, जहाँ पर एंट्री होती है, वहाँ से पूरी चढ़ाई चढ़ाई है। ये देखिए पीछे से तो यहाँ पर खड़ी होती हैं बाइक्स और कार और यहाँ से चलना पड़ता है पैदल। बताल से 15 किलोमीटर की राइड के बाद हम पहुँच चुके हैं वहाँ जहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चल के आता है चंद्रताल। रास्ते में 2 नाले मिले थे और मेरा तो जूता पूरा भीग गया है आले भाई के, तो जब भी हल्का फुल्का सूखा हुआ है। तो चप्पल पहन लिया अब और चलते हैं यहाँ से चंद्रताल के लिए। तो ये रास्ता है चंद्रताल का, 1 किलोमीटर छोटा सा ट्रैक। तो बस ये देखिए चंद्रताल झील, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। तो हम पहुँच चुके हैं चंद्रताल लेक और जो पीछे देख रहे हैं आप खूबसूरत चंद्रताल लेक। और यहाँ पर पहुँचते ही हल्की हल्की फिर से बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो हम सोच रहे थे यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की, मगर बारिश के चलते थोड़ा सा दिल को लग रहा है कि ना उड़ाएं अभी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चंद्रताल का।
और अब हम जा रहे हैं लेक के पास। तो हम पहुंच गए हैं चंद्रताल लेक के पास। ठंडा ठंडा पानी है, ये है चंद्रताल लेक। तो ये जो चंद्रताल झील है, तो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो तो स्थानीय लोग हैं, ये झील उनकी आस्था का प्रतीक है। माना जाता है कि रात को यहाँ पर परियां आती हैं और स्नान करती हैं। तो और ये भी कहा जा रहा था कि जो युधिष्ठिर है वो स्वर्ग इसी रास्ते से गए थे। तो इस झील में नहाना, कपड़े धोना बिल्कुल मना है। अले समझ जाइए भाई, नहाने लग जा तू। तो इस समय मैं पूरा चंद्रताल लेक के साइड में हूँ और इसको जो पानी पीना है, इसे अमृत माना जाता है, तो थोड़ा पानी पीते हैं ठंडा। ये बहुत बढ़िया पानी है, मज़ा आ गया। और ये लेक के चारों तरफ का व्यू है, बहुत ही मज़ेदार है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, चारों तरफ पहाड़ हैं और हम हैं चंद्रताल लेक के साइड में। और लेक के पास बहुत अच्छी हवा चल रही है, बारिश अब रुक गई है और नीला नीला जो पानी है बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और चंद्रताल लेक इसको इसलिए कहा जाता है कि ये पूरा ना चंद्र के आकार में है। तो यहाँ पर हम बैठे, हमने ड्रोन भी उड़ाया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह है भाई, दूसरी बार आ रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आया। तो ये चंद्रताल लेक से ये पानी जा रहा है और ये जाके आगे नदी बनती है और कहलाती है चंद्रा नदी। तो अब हम वापस चल रहे हैं हम अपनी बाइकों के पास। चंद्रताल से हम चलते हैं बाताल, यहाँ से है 15 किलोमीटर। टाइम 3:30 के करीब हो चुका है, 1 से 1.25 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और वहीं पर कुछ खाएंगे। रास्ता तो देख ही लिया है, ख़राब तो है ही। चलते हैं हल्के हल्के, पहुँचते हैं बाताल। बताल बताल चाचा चाचा, यहाँ पर ये कैंप साइट कितने सारे यार, बहुत सारे हैं। कोई रुकना चाहे आके यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं। ख्याल से कोई बाइक नीचे गिर गई होगी तो उसको ठहरे हैं। भाई अजू क्या हो गया था, क्या हुआ था? खिड़की खोल दी, बाइक गिर गया से नीचे गए। अच्छा यहाँ से? ओहो लगी तो नहीं, लगी हाथ निशान हो गया। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी रोड पे और यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर है। पहुँच गए भाई, पहुँच गए पाताल ब्रिज। तो भैया चंद्रताल से आके फिर से यहाँ पर चाचा चाची के ढाबे में रुके थे हम, और यहाँ पर आते ही सर बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो राजमा चावल खाया तो कुछ पेट में शांति मिली। और इस समय भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ख़राब है। आप देखेंगे पीछे से जो है कुलसुम पास की साइड से बाइकर भी आ रहे हैं, मगर यहाँ से मनाली बहुत ही रास्ता जो है ख़राब है इस समय। सर अपने पूरे फुल हैं पानी के। और ये है हमारे चाचा जी आगे। चाचा जी हाल भाई, ठंडा लग रहा? ठंडा ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो भैया यहाँ तो ज़्यादा ठंडा लग रहा है इस समय। अब कुछ खाएंगे डिनर में, शायद आलू के पराठे या फिर अंडे की भुर्जी, देखते क्या मिलता है।
अभी भी हम ढाबे में ही हैं।